हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हजारों वीडियोस और सैकड़ों प्लेलिस्ट्स के साथ प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर मैं मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाता हूँ, टेक्स्ट मटेरियल कंटेन करने वाले वीडियोस। और ये वीडियोस सिंपल टीचिंग पर बेस्ड होते हैं, बिल्कुल सिंपल टीचिंग, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी एफर्वेशंस के, बिना किसी ग्लैमर के। मैं कोई प्लेलिस्ट शुरू करता हूँ, इसका मतलब वो कोई चैप्टर होता है, वो कोई छोटा चैप्टर हो चाहे बड़ा चैप्टर हो, और उसमें कई वीडियोस मैं उस प्लेलिस्ट में डालता हूँ, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर मेरी पूरी प्लेलिस्ट कोई भी आप देखें और पूरी देखें, और जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ वैसे वैसे आप एडॉप्ट करें, पूरी गारंटी है कि आपको अन्यत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई लाइक और सब्सक्राइब का खेल हम नहीं खेल रहे हैं, हम एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। हमारा मिशन है तेरा तुझको अर्पण, यानी 36 वर्षों के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो कुछ भी हमने कमाया, अध्यापन से संबंधित, अध्ययन से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित, वो सब आपके हवाले, वो सब स्टूडेंट्स के हवाले, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है। तौर तरीका हमारा क्या है, इंग्लिश में मैं लिखता हूँ और इंग्लिश में इंटरेक्ट करता हूँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ। क्लास में पढ़ाते समय मैं वहाँ की आंचलिक भाषा का भी कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। भाषा बहुत बड़ी चीज़ है किसी विषय के संप्रेषण के लिए, जो कुछ हमारे पास है वो आपके दिमाग तक पहुँचाना है, उसके लिए भाषा बहुत बड़ा माध्यम है। भाषा और प्रेजेंटेशन, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। कोशिश हमारी ये भी रहती है कि आपको हम फंडामेंटल्स समझाएँ, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के मेकनिज़म समझाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। क्लास की टीचिंग में जहाँ सिलेबस ख़त्म करने की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी और बहुत प्रेशर होता है, वहाँ पर इस मामले में थोड़ी सी कंजूसी करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि ये दबाव रहित कार्य है, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके कारण हम कोई कॉन्सेप्ट इग्नोर कर दें, तो मैं आपको छोटी बड़ी हर बात क्लियर करना चाहता हूँ। तेरा तुझको अर्पण टाइटल से मेरे अब तक 5 वीडियोस अपलोडेड हैं, ये सारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा, 5 के 5। ये मोटिवेशनल भी हैं और इन्फॉर्मेटिव भी हैं, आपको उससे कुछ मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा आपको। मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम राम का है, वहाँ पर मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्जापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। वहाँ विविधा विषयों पर मेरे वीडियोज़ हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो वहाँ भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन इन जेड। एडिशन मॉडुलो एन एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन भी एक ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन जेड में ही डिफाइंड होता है। जेड माने सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं। मैं कैपिटल जेड से डिनोट कर रहा हूँ, ये आपकी इच्छा है, चाहे कैपिटल आई लिखिए चाहे कैपिटल जेड लिखिए। कुल 4 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में होंगे, बहुत छोटी प्लेलिस्ट है, ऐसी छोटी छोटी प्लेलिस्ट भी हमारे पास कई है और बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट भी कई है, हर तरह की प्लेलिस्ट हमारे पास है। एडिशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो किसी क्लास से पढ़ते हैं, चाहे ग्रेजुएशन में चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में, मॉडुलो से मुलाकात ना हो ऐसा मुश्किल है। और एडिशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन का कॉन्सेप्ट बच्चों को कम क्लियर होता है, वो जानते तो है एडिशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन क्या है, लेकिन उससे रिलेटेड जो और फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स की जानकारी स्टूडेंट्स को कम होती है। तो मैं आपको एडिशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन से संबंधित सारी जानकारी
चार वीडियोस में समेट करके देने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, पहले डेफिनेशन की बात होगी। डेफिनेशन, दो हैं, एडिशन मॉडुलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, दोनों एक साथ। नोटेशन, चलो ठीक है, यही लिखते हैं इसको, ए प्लस बी, यहाँ पर एन, ये जो प्लस का चिन्ह है ना, इसी पे सफिक्स लगाते हैं, और इसको पढ़ते हैं ए प्लस बी मॉडुलो एन। मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर एन, मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट भी लिखते हैं, लेकिन फिर ये एन कहाँ लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो बड़ा लगेगा, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। इसको पढ़ेंगे हम ए प्लस बी मॉडुलो एन, इसको हम पढ़ेंगे ए इंटू बी मॉडुलो एन, या ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मॉडुलो एन। अब देखें ये है क्या चीज, ए प्लस बी मॉडुलो एन इज द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एन, ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एन, बस हो गया, ये इतनी सी बात है। ए क्रॉस बी मॉडुलो एन इज द रिमाइंडर when a into b is divided by n, division process आता है ना, भाग, विभाजन, जिससे भाग देते हैं वो divisor हो गया, divisor भी कह सकते हैं, भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य है, dividend है, जितनी बार भाग गया वो भागफल है, कोसेंट, और जो शेष बच गया उसको शेषफल, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, इंटीजर्स की दुनिया में हम हैं, ध्यान रखना, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर में भाग देंगे तो शेष या तो जीरो बचेगा या तो जीरो नहीं बचेगा, और जो बचेगा वो भाजक से, डिवीजर से छोटा। डिवीजन एल्गोरिथम आपको मालूम होना चाहिए, डिविजिबिलिटी इन जेड मेरी अलग प्लेलिस्ट है, वो भी प्लेलिस्ट बहुत बड़ी नहीं है, तो वहां जाकर के आप डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अगर मान लो संख्या बड़ी है, डिवीजर बड़ा है, डिविडेंड छोटा है, तो भाग कितनी बार जाएगा, जीरो टाइम्स, सुन्ना बार भाग जाएगा, तो पंद्रह शून्य सुन्ना, फिर घटाएंगे तो पूरा का पूरा ये शेष बच जाएगा। जब तक डिविडेंड डिवीजर से छोटा होगा तो शेषफल रिमाइंडर क्या होगा, वो डिविडेंड पूरा का पूरा, इसको ध्यान में बैठाइएगा। देखो हम लिख रहे हैं,
टू क्रॉस सेवन मॉडुलो थ्री बराबर क्या होगा? टू इंटू सेवन में थ्री से डिवीजन करो जो रिमाइंडर आए, तो टू इंटू सेवन फोर्टीन, फोर्टीन में तीन से डिवीजन करो तो टू से आएगा ना। टू क्रॉस सेवन मॉडुलो फिफ्टीन ये कितना होगा? दो सत्तर चौदह, फोर्टीन, फोर्टीन में फिफ्टीन से भाग देना है, भाग सुनना भर जाएगा, पूरा का पूरा शेष बच जाएगा। ये थ्री क्रॉस सिक्स मॉडुलो थ्री बराबर क्या होगा? थ्री सिक्स या एटीन, अच्छा हम क्रॉस लिखने लगे धरते रहेगी तो ऐसा करते हैं, फिर यहां पे एग्जांपल हम मिटा देते हैं और इसी में इकट्ठे सब लगा देंगे। तो थ्री सिक्स या एटीन, एटीन में थ्री से डिवीजन करेंगे तो जीरो आएगा। टू प्लस सेवन मॉडुलो थ्री कितना होगा? टू प्लस सेवन नाइन में थ्री से डिवीजन करेंगे जो रिमाइंडर आएगा। टू प्लस सेवन, टू प्लस सेवन मॉडुलो फिफ्टीन कितना होगा? टू प्लस सेवन नाइन, नाइन में फिफ्टीन से भाग जाएगा, पूरा पूरा नाइन बचेगा। थ्री प्लस सिक्स मॉडुलो थ्री, या इसको मॉडुलो टू कर लें तो थ्री प्लस सिक्स नाइन, नाइन में टू से डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर वन आएगा। बस करें ETC लिए, यही एग्जांपल्स, बहुत ही सिंपल बातें हैं ये। ए प्लस बी मॉडुलो एन रिमाइंडर है, जबकि ए प्लस बी में एन से डिवीजन किया जाए, ए प्लस बी को एन से डिवाइड किया जाए। ए क्रॉस बी मॉडुलो एन रिमाइंडर है, जबकि ए इंटू बी में एन से भाग किया जाए, ए इंटू बी को एन से डिवाइड किया जाए। ठीक भाई, अब ऐसे और भी रिमाइंडर्स हम डिजाइन कर सकते हैं, तो आपके सामने हम कुछ स्पेशल रिमाइंडर्स रखने जा रहे हैं विथ प्रूफ। स्पेशल रिमाइंडर्स नंबर एक, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी मॉडुलो एन, मॉडुलो एन इज द रिमाइंडर व्हेन ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय एन। ये देखिए, इसको प्रूव करने जा रहे हैं, सब प्रमाण बताएंगे आपको। अब आज हम बता रहे हैं और इसको हमेशा आपको पहचानना होगा, जब भी ये कहीं मिलेगा आप पहचान लीजिएगा, अरे ये तो रिमाइंडर है जब इसको एन से डिवाइड करें। शुरू करते हैं, लेट बी प्लस सी मॉडुलो एन, ये वाला इज इक्वल टू आर, देन बी प्लस सी मॉडुलो एन इज द रिमाइंडर व्हेन बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय एन, यानी आर इज द रिमाइंडर, आर इसी को तो माने हो ना, ये रिमाइंडर है तो ये रिमाइंडर है, देन आर इज द रिमाइंडर व्हेन बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय एन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम
कोई बहुत गूढ़ रहस्य नहीं है, हालांकि डिविजिबिलिटी इन जेड प्लेलिस्ट हमारी है, आप वहाँ जा कर के खूब डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात बता रहे हैं। बहुत छोटी क्लास में आपको बताया गया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इन टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, मालूम है ना। लेकिन इतना ही नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें और होता है, थोड़ा सा और होता है, क्या होता है, रिमाइंडर पे कंडीशन, रिमाइंडर नॉन निगेटिव होगा और डिविजर से छोटा होगा, यही चीज आपको याद रखना है। तो किस में भाग दिया गया, बी प्लस सी में, किस से भाग दिया गया, एन से। मान लीजिए क्यू बार गया, क्यू एन प्लस रिमाइंडर कौन है, आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसी पे एक शर्त लदेगी, जीरो लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन भाजक, यही भूल जाते हैं आप लोग, इतना तो सबको मालूम है। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसे अब नहीं भूलना है। रिमाइंडर मस्ट बी नॉन निगेटिव एंड स्मॉलर देन डिविजर, नंबर एक। अब इस एक्सप्रेशन में बी प्लस सी मॉडुलो एन को आपने आर मान लिया है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बना, ये बना ए प्लस आर मॉडुलो एन, बना कि नहीं। इसको आप एस मान लीजिए, देन एस का वही स्वभाव होगा जो ए प्लस आर मॉडुलो एन का है, देन एस इज द रिमाइंडर, व्हेन ए प्लस आर इज डिवाइडेड बाई एन बाई डिविजन एल्गोरिथम, ए प्लस आर इज इक्वल टू क्यू डैश इंटू एन प्लस एस, जीरो लेस देन आर इक्वल टू एस लेस देन एन, नंबर टू, नंबर टू डालने की जरूरत नहीं है, इसी को आगे बढ़ा लो, इंप्लाइज दैट ए प्लस आर की वैल्यू यहां से, आर की वैल्यू यहां से क्या रखोगे, ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस क्यू एन ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू क्यू डैश एन प्लस एस, यहां लिख दीजिए बाई वन, ये ब्रैकेट सेंस बना के रखिएगा, ब्रैकेट सेंस, कोष्ठक बोध, कोष्ठकों का बोध गणित पढ़ने वाले को नहीं होगा तो किसको होगा, इंप्लाइज दैट ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर, इसको इधर लाइए, क्यू प्लस क्यू डैश मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस एस, जीरो लेस देन आर इक्वल टू एस लेस देन एन, एस पर जो कंडीशन थी, यहां एक कंडीशन और लिखना चाहिए था जो हम भूलते जा रहे हैं, क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, क्यू इज सम इंटीजर, क्यू बिलोंग्स टू जेड, यहां पर भी लिख दो क्यू डैश बिलोंग्स टू जेड, तो यहां भी लिख दो q प्लस क्यू डैश बिलोंग्स टू जेड, दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर होगा। तो इस एक्सप्रेशन को देखने से क्या लग रहा है, जब a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी को n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेष आएगा, रिमाइंडर s आएगा, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि s के पास वो गुण है जो रिमाइंडर के पास होता है, implies that a plus bracket b plus c s के बारे में लिखो, s is the remainder when a plus bracket b plus c is divided by n,
वेयर एस क्या चीज है भाई, एस बराबर कहां से एस अवतरित हुआ था, यहां से ये एस है और आर कहां है, ये आर है। ए प्लस आर मॉडुलो एन, ए प्लस आर मॉडुलो एन इज इक्वल टू ए प्लस मॉडुलो एन आर ब्रैकेट बी प्लस सी मॉडुलो एन फुल स्टॉप। ये तो प्रूव करना था। ये जो एस के बारे में आपने लिखा है, दरअसल आपने किसके बारे में लिखा है, इसके बारे में लिखा है, एस यही तो है। सो दिस इज द रिमाइंडर व्हेन ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई एन, यही प्रूव करना था, यही लिखा है ऊपर, खूब ध्यान से देख लो। नंबर टू, ब्रैकेट ए प्लस बी मॉडुलो एन प्लस सी मॉडुलो एन इज द रिमाइंडर व्हेन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई एन। गौर से देखिए इस लिखावट को, इस लिखावट को, ये जो मॉडुलो वाला एक्सप्रेशन है इसमें हम अगर एन ऐसे मिटा दें तो ये क्या बन गया, यही डिविडेंड बन गया, और इस डिविडेंड में प्लस प्लस की जगह मॉडुलो लगा दे तो क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया। प्रूफ बिल्कुल इसी ट्रैक पर। लेट ए प्लस बी मॉडुलो एन इज इक्वल टू आर, देन आर इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर यूनिक होता है, आर इज द रिमाइंडर when a plus b is divided by n by division algorithm, by division algorithm a plus b is equal to n q plus remainder r, 0 less than or equal to r less than n, q belongs to capital Z, number 1। देखो प्रूफ बिल्कुल मिला लो, बिल्कुल उसी ट्रैक पर हम चलेंगे। एक भी रिजल्ट को हम सिमिलरली लिख के नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसकी ट्रेनिंग आपको हम बहुत विस्तार से दें। ये अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है कि रिमाइंडर रिमाइंडर की जब बात करो, ये अडलो माडलो, तो बच्चों को तकलीफ होने लगती है। अगर ये हमारा पूरा प्लेलिस्ट आप देख लिए तो आपकी सारी तकलीफ खत्म। तो देखो इसको आपने आर मान लिया, तो अब ये एक्सप्रेशन हो गया आर प्लस सी मॉडुलो एन, उसको एस मान लो। लेट आर प्लस सी मॉडुलो एन इक्वल टू एस, देन एस इज द रिमाइंडर, एस इज द रिमाइंडर व्हेन आर प्लस सी इज डिवाइडेड बाय एन by division algorithm, r plus c is equal to n q dash plus s, 0 less than or equal to s less than n, q dash belongs to z, implies that r की वैल्यू नंबर वन से निकालिए, r की वैल्यू, तो R की वैल्यू नंबर वन में है ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस एन क्यू, है ना, ये ध्यान से देख लो, और प्लस सी इज इक्वल टू एन क्यू डैश प्लस एस बाई वन या फ्रॉम वन, इंप्लाइज दैट ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में क्यू प्लस क्यू डैश प्लस एस, 0 less than or equal to s less than n, q plus q dash belongs to z। और इस एक्सप्रेशन को देख करके हम निष्कर्ष निकालना है, s is the remainder, s is the remainder when bracket a plus b plus c
is divided by n, where s is equal to, कहाँ है s? ये है r plus c modulo n is equal to, r कहाँ है? r यहाँ है, तो bracket a plus b modulo n plus c modulo n, full stop. S is the remainder, means this is the remainder. This is the remainder when this is divided by n. समझ में आ रहा है ना आपके? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और बता देते हैं, नंबर तीन, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी मॉडुलो एन इज द रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इंटू सी इज डिवाइडेड बाई एन, इज डिवाइडेड बाई एन. ये डॉट की जगह हम क्रॉस भी लिख सकते हैं, कुछ हो ना लिखें. ऐसे भी लिख सकते थे ना, लिख सकते थे, नहीं लिखा, ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, सब गुणा ही तो है. ये कोई वेक्टर हम थोड़ी पढ़ रहे हैं कि डॉट क्रॉस में फर्क होगा. लेट बी क्रॉस सी मॉडुलो एन इज इक्वल टू आर, देन R is the remainder when BC is divided by N. By division algorithm, BC equal to NQ plus R. 0 less than or equal to R less than N, Q belongs to Z, number 1. B cross C modulo N को आपने R मान लिया, तो ये expression अब बन गया A cross R modulo N, उसको S मान लो. Let A cross R modulo N is equal to S, then S is the remainder when A into R is divided by N. By division algorithm, AR is equal to N Q dash plus S. 0 less than or equal to S less than N, Q dash belongs to Z. Implies that A bracket R की वैल्यू नंबर वन से, बी सी माइनस एन क्यू, ब्रैकेट बी सी माइनस एन क्यू इक्वल टू एन क्यू डैश प्लस एस बाई वन, इम्प्लाइज दैट ए ब्रैकेट बी सी इज इक्वल टू एन कॉमन ब्रैकेट में ए क्यू प्लस क्यू डैश प्लस एस, जीरो लेस देन आर इक्वल टू एस लेस देन एन. देखो ये इधर से ए एन क्यू जाएगा ना, माइनस ए एन क्यू इधर आएगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट एस इज द रिमाइंडर, एस इज द रिमाइंडर व्हेन A bracket BC is divided by N. Yeah. Where S is equal to, कहाँ S भाई? ये A cross R
मॉडुलो एन इज इक्वल टू ए क्रॉस मॉडुलो एन, आर कहाँ है, आर यहाँ है, बी क्रॉस सी मॉडुलो एन। आइए एक और कर दें, नंबर चार, ब्रैकेट ए क्रॉस बी मॉडुलो एन क्रॉस सी मॉडुलो एन इज द रिमाइंडर व्हेन ब्रैकेट ए बी इंटू सी इज डिवाइडेड बाई एन। ये रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है, ध्यान से देखिए, कनेक्टेड है सब। प्रूफ बिल्कुल इसी ट्रैक पर, लेट ए क्रॉस बी मॉडुलो एन इज इक्वल टू आर, देन आर इज द रिमाइंडर व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाई एन बाई डिविजन एल्गोरिथम। ए बी इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन एन, क्यू बिलोंग्स टू जेड, नंबर एक। यहां पर एक शर्त और लिख देना था, ए क्यू प्लस क्यू डैश बिलोंग्स टू जेड। तो अब ये एक्सप्रेशन बन गया आर क्रॉस सी मॉडुलो एन, उसको एस मान लो, लेट आर क्रॉस सी मॉडुलो एन इक्वल टू एस, देन एस इज द रिमाइंडर व्हेन आर इनटू सी इज डिवाइडेड बाय एन। बाय डिवीजन एल्गोरिथम बाय डिवीजन एल्गोरिथम आर सी इक्वल टू एन क्यू डैश प्लस एस, जीरो लेस देन आर इक्वल टू एस लेस देन एन, क्यू डैश बिलोंग्स टू जेड, इंप्लाइज दैट ब्रैकेट आर की वैल्यू रखनी है नंबर एक से, ए बी माइनस एन क्यू। तो इसको लिखिए ब्रैकेट ए बी माइनस एन क्यू इंटू सी इक्वल टू एन क्यू डैश प्लस एस बाई वन, इंप्लाइज दैट ब्रैकेट ए बी इंटू सी इज इक्वल टू एन कॉमन ब्रैकेट में क्यू सी प्लस क्यू डैश प्लस एस, जीरो लेस देन आर इक्वल टू एस लेस देन एन, एंड QC plus Q dash belong to capital Z. This implies that S is the remainder when bracket AB into C is divided by N, where S equal to किधर है एस, ये एस है आर, ये आर क्रॉस सी मॉडुलो एन, आर क्रॉस सी मॉडुलो एन इज इक्वल टू आर ए क्रॉस बी मॉडुलो एन देन क्रॉस सी मॉडुलो एन, फुल स्टॉप। तो आज के इस काम को यहीं पे हम रोकते हैं, वीडियो साइज थोड़ी बड़ी हो गई और अगले वीडियो में यही हम जारी रखेंगे। थैंक यू।